हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया उसे करके दिखाया। अनुच्छेद 370 को हटाना, तीन तलाक को खत्म करना और अब राम मंदिर का निर्माण करवाना इसमें शामिल है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की हमें मिलकर पूरा करना रहेगा। आपको बता दें, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला के बबियाल के राजकीय स्कूल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन दे रहे थे। इस मौके पर अनिल विज ने उपस्थित सभी को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम विश्व में ऊंचा करने का काम किया। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। हर भारतवासी को आज विदेशों में पूरा मान सम्मान मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं और आज वर्षों पुराना हमारे पूर्वजों का सपना साकार हो रहा है और 22 जनवरी को अयोध्या में बने विशाल एवं भव्य श्री राम मंदिर में रामलीला विराजमान होने जा रहे हैं। अभी नरेंद्र राणा जी ने बबियाल गांव में हमारी सरकार आने के बाद जो विकास कार्य हमारी सरकार ने करवा कर दिए उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया है। ये हमारे 9 साल के काम हैं। सरकारें तो पहले भी रही हैं, पहली सारी सरकारों का जोड़ दो अगर इसका पास को भी होगा सारी सरकारों का। हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारा डीएनए टेस्ट करा लो वाजपेयियों का सारे हिंदुस्तान के। हमारा एक ही डीएनए है कि काम करना है, विकास करना है। अंबाला छावनी में जिसमें विकास का एक रुपया नहीं लगता था, अंदाजा को आप बयाल से लगा सकते हो। लेकिन मैं अगर अंबाला छावनी की बात करूं जहां पर विकास का एक रुपया नहीं लगता था, हमने यहां पर जिन कामों के लिए